दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके। दोस्तों आप लोगों ने किसी भी चीज़ को वॉल या वुड से अटैच करने के लिए कील यानी कि नेल का इस्तेमाल किया ही होगा, तो आपने कभी सोचा है नेल को कैसे बनाया जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं नेल बनाने वाली फैक्ट्री का अनबॉक्सिंग। दोस्तों आपने अलग अलग टाइप की और अलग अलग मटेरियल की नेल यूज की होगी, पर इस फैक्ट्री में नेल बनाने के लिए कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल जैसे कि SS और MS भी यूज किए जाते हैं। अब नेल बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है बड़े से ड्रम पे लपेटे हुए स्टील के वायर से। स्टील के वायर को ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है और दोस्तों इस मशीन में मेनली दो प्रोसेस होती है। सबसे पहले दो कटर की मदद से वायर को कट किया जाता है और नुकीला शेप दिया जाता है और प्रेस की मदद से नेल का हेड बनाया जाता है और ये पूरी प्रोसेस बहुत ही स्पीडली होती है। और ये मशीन में 1 मिनट में करीब 200 नेल तैयार हो जाती है। अब बारी है नेल को पॉलिश करने की। उसके लिए नेल को स्पेशल सैंड के ड्रम में डाला जाता है और उस ड्रम को रोटेट किया जाता है। आफ्टर पॉलिशिंग नेल रेडी है यूज होने के लिए और दोस्तों इस फैक्ट्री में 1 साल में करीब 25 मिलियन नेल तैयार की जाती है और उसके लिए 10,000 टन मेटल का रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। अब आप अपने घर में नेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा कि ये नेल कैसे बनाई गई है। दोस्तों हम तैयार माल को जूट के बोरे में पैक करवा कर बाजार में सेल कर सकते हैं। कीले नुकीली होती हैं इसलिए प्लास्टिक के बैग के फटने का डर रहता है। हम चाहें तो 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो के पैकेट भी बना सकते हैं। दोस्तों वायर नेल का बिजनेस शुरू करने के लिए टोटल खर्चा 7 से 8 लाख रुपए के आसपास आता है, जिसमें आपकी 4 से 5 लाख रुपए की मशीन की प्राइस होती है। उसके बाद रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य बाकी सारे खर्चे हैं। चलिए अब इसके प्रॉफिट को समझते हैं। इसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 32 से 35 रुपए के आसपास आता है रॉ मटेरियल और बाकी खर्चे के साथ, और ये तैयार माल बाजार में 40 से 45 रुपए के हिसाब से बिकता है, जिसमें हमारा 1 kg में प्रॉफिट 13 से 15 रुपए के आसपास आ रहा है। अगर हमारी मशीन एक दिन में 500 किलो से 600 किलो का प्रोडक्शन करती है तो पूरे महीने में ये 500 के हिसाब से 15,000 किलो का प्रोडक्शन करेगी, जिसकी टोटल वैल्यू 6,75,000 के आसपास आएगी, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल 4,80,000 का है। उसके अलावा पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी खर्चे जब निकालने के बाद भी हमारा टोटल प्रॉफिट 1 महीने का 1 लाख आता है। दोस्तों शुरुआत में हमें थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं अपने तैयार माल को मार्केट में बेचने में, तो हम थोड़ा प्राइस कम करके भी बेच सकते हैं, बट एक बार मार्केट पकड़ लेने के बाद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी, फिर हम महंगे प्राइस पे भी बेच पाएंगे। हम अपने तैयार माल को 3 तरीके से बेच सकते हैं। पहला तो शॉप टू शॉप, यानी हमें हर दुकान पे जाके अपने माल का सैंपल देना होगा और फिर उनसे ऑर्डर लेना होगा, या फिर हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी अपने तैयार माल को
बाजार में बेच सकते हैं, जिसके अंदर काफी सारी दुकानें होती हैं।